अस्सलाम वालेकुम बीएससी, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट टॉपिक था आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, और नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख चुके हैं, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी। अब आपके पास एंगुलर मोमेंटम है। व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम। पोजिशन वैक्टर क्या है? रेफरेंस रोटेशनल एक्सेस से बॉडी का जो पोजिशन वैक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लीनियर मोमेंटम से लेंगे तो हमारे पास एक वैक्टर क्वान्टिटी आएगी, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम, विच इज़ रिप्रजेंटेड बाई एल वैक्टर। पोजिशन वैक्टर आर बी एक वैक्टर क्वान्टिटी है, ये एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम भी वैक्टर क्वान्टिटी है, तो वो वैक्टर क्वान्टिटी का क्वान्टिटीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो आंसर विल बी आ वैक्टर क्वान्टिटी, दैट इज़ रिप्रजेंटेड बाई एल। यहाँ आर पोजिशन वैक्टर, पी लीनियर मोमेंटम एंड एल एंगुलर मोमेंटम है। अब लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द सेंटर। ये सेंटर है, इसके थ्रू एक लाइन पास कर रही है जिसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है, तो इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। दिस इज़ अ पोजिशन वैक्टर ऑफ दैट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, विच इज रिप्रजेंटेड बाई आर। अब अगर आप यहाँ बॉडी मूव करिए तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी विल बी अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही लीनियर मोमेंटम की होती है, क्योंकि p इज इक्वल टू एम वी, मास तो स्केलर है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही मोमेंटम की होगी। दिस इज़ लीनियर मोमेंटम, ये डायरेक्शन इसके वेलोसिटी की है। बॉडी है मास एम की जो कि सर्कल के अराउंड रोटेट कर रही है, जिसका रेडियस आर है, या इसको हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सेंटर या एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है जो कि सेंटर में से पास कर रहा है। तो आपके पास लीनियर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है आर क्रॉस पी, अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करें, आर पी साइन ऑफ थीटा एंड एन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एल, एन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी, हम राइट हैंड रूल से आगे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ एल, एल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट इज़ मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू एल आर, एल इज़ इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा। एन कहाँ गया? एन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये पार्ट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन को, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, आर पी साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज़ पी? पी इज़ इक्वल टू एम वी, वी इज़ द वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी, सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम की वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे, आर एम वी साइन ऑफ थीटा। आपके पास एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड आ जाएगी आर एम वी साइन ऑफ थीटा, तो ये मैक्सिमम कब होगा, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगी, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी एम और आर ये पैरामीटर्स फिक्स हैं, आर पोजीशन वेक्टर या रेडियस, और आपके पास अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो रेडियस बन रहा है, मास है, वी वेलोसिटी है, तो अगर थीटा साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम होगा तो एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन ऑफ थीटा मिनिमम होगा तो एल की वैल्यू मिनिमम होगी।
मैक्सिमम कब होगा? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। और ज़ीरो कहाँ होती है? साइन 0 इज इक्वल टू 0 या साइन 180। सबसे पहले हम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। तो थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज मैक्सिमम व्हेन आर एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर पोजिशन वेक्टर आर एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी वी इज परपेंडिकुलर टू आर, वी इज परपेंडिकुलर टू आर, सो एंगल बिटवीन दैम इज 90, साइन 91, सो एल इज इक्वल टू एम वी आर। आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, या पीछे प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ हम ऊपर वी की वैल्यू पुट करेंगे, आर ओमेगा, तो एम आर ओमेगा इंटू आर, आर स्क्वेयर हो जाएगा, जो आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है एम से, तो एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एल। यहाँ ये एम आर स्क्वेयर आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्क्वेयर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। अगर हम इसको कंपेयर करें लीनियर मोमेंटम के साथ, दिस इज लीनियर मोमेंटम और दिस इज एंगुलर मोमेंटम, तो वी इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा। एंगुलर जो लीनियर में वेलोसिटी वी थी वो एंगुलर में वेलोसिटी ओमेगा है, तो जो रोल एम लीनियर मोशन में प्ले कर रहा है बिल्कुल वही चीज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इन एंगुलर मोशन। सो एल रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये किस केस में होगा? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल वी इज टेंजेंट टू द सर्कल। जब एक फिक्स सर्कल के अंदर बॉडी मूव करती है तो यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है, दिस इज सेंटर, एंड सेंटर से आउटर पार्टिकल का डिस्टेंस रेडियस है आर, और आर ने हमेशा वी के परपेंडिकुलर रहना है। क्यों? क्योंकि वी ने हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल है, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट टू द सर्कल, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट टू द सर्कल, हर पॉइंट पर वी और आर ने आपस में परपेंडिकुलर रहना है, यानी इन दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा। तो अगर एंगल 90 होगा तो इनका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा। सो वी एंगल हमेशा 90 रहेगा। सो इनके लिए फॉर सर्कुलर मोशन एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम की यहाँ ये डेफिनेशन हम कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा। मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा? जब साइन की वैल्यू मिनिमम होगी। सो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पर होती है और मिनिमम वैल्यू 0 या 180, दोनों पर साइन 0 0, साइन 180 भी 0। सो व्हेन एंगल इज 0 और थीटा एंगल इज 180, देन आर एंड बी आर या तो पैरेलल होंगे ज़ीरो के केस में और या एंटी पैरेलल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब आर और पी पोजीशन वेक्टर या और वेलोसिटी या मोमेंटम दोनों के एक ही डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी अगर पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन
एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सॉरी ज़ीरो होगा। इसको देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। इसको ओपन किया, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, साइन ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम विल बी ज़ीरो, एंड साइन 180 एंगुलर मोमेंटम विल बी ज़ीरो। तो ये हमने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मिनिमम मैग्नीट्यूड्स देख लिए। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट। इसका सिंपलेस्ट फार्मूला देखें तो एल इज इक्वल टू एम वी आर, हम ऊपर देख चुके हैं इसको। एम वी आर कैसे आया था, आर इज पोजिशन वैक्टर और पी की जगह हमने एम वी पुट किया था। वट इज़ द यूनिट ऑफ मास की जी, यूनिट ऑफ आर रेडियस मीटर, और वी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। इसको यहीं रहने दें, क्वेश्चन नंबर वन कह दें। अब हम अगर डब्ल्यू देखें, डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस फोर्स एंड डिस्टेंस। एफ इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एफ की वैल्यू पुट की है एम ए इंटू एस। वट इज़ द यूनिट ऑफ एम, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एस का क्या है, मीटर। यह आपके पास बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर। अगर दोनों साइड्स को मैं एस से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ बन जाएगा जूल सेकेंड्स, और यहाँ बन जाएगा केजी मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। ठीक है, एस से कैंसिल। इक्वेशन नंबर टू और वन को देखें तो राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड्स क्या हैं, यहाँ यूनिट ऑफ एल विल बी जूल पर सेकेंड। यूनिट ऑफ एल इज जूल पर सेकेंड। यूनिट कन्वेरियंस भी आपने देख ली। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो जहाँ आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल। क्या है राइट हैंड रूल, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर, थम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर। यहाँ आप वी से आर, आर से वी की तरफ अगर अपनी कर्ल फिंगर्स को रोटेट करें तो थम जिस डायरेक्शन में होगा वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, जो कि हमेशा पी और आर के परपेंडिकुलर होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में देखें, आर से पी की तरफ लेके जाएं फिंगर्स को तो थम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एल, जो कि इन दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो आर है और पी है इसके हमेशा परपेंडिकुलर एल की डायरेक्शन होगी। अब नेक्स्ट आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। टॉर्क हम पीछे पढ़ चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम भी हम लास्ट अभी देख रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एल, टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाई टी। आप एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लें, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स को, तो आपके पास डी एल बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव। तो मैंने ये डेरिवेटिव ओपन किया है प्रोडक्ट रूल लगाकर, डी आर बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई पी एज इट इज प्लस आर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डी पी बाई डी टी। अब आपने यहाँ देखना है कि डी पी बाई डी टी क्या है, डी आर बाई डी टी, डी आर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस कार्ड वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें, और डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ।
दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। दैट इज़ अ स्टेट सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सो ये एफ के इक्वल आ जाएगा और डी आर बाई डी टी इज वी, एज डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी एंड डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। सो हम ऊपर पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी क्रॉस एम वी, मोमेंटम को हम एम वी लिख सकते हैं, प्लस आर क्रॉस एफ। वी क्रॉस वी सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, यानी एक वेक्टर को आप उसी से मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि इनके दरमियान एंगल कितना है, ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज़ ज़ीरो। एम तो कांस्टेंट है, वी को हम वी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि सेल्फ प्रोडक्ट वेक्टर का ज़ीरो होता है, ये टर्म आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, प्लस आर क्रॉस एफ। तो लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के साथ लें तो आपके पास एक क्वान्टिटी बनती है, दैट इज़ टॉर्क। दिस इज़ इक्वल टू टॉर्क एंड दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास ज़ीरो प्लस टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। इस एक्सप्रेशन को आप स्टडी करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अगर आप सेकेंड लॉ का देखें, दिस इज सेकेंड लॉ फॉर लीनियर मोशन, अप्लाइड फोर्स। फोर्स क्या करती है? वेलोसिटी को चेंज करती है। वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम भी चेंज होता है। सो लीनियर मोशन में अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर मोशन में अप्लाइड टॉर्क, टॉर्क क्या करता है? एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करता है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होता है। सो अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इसके साथ आपका टॉपिक एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट हो गया। आपके क्वेश्चंस अगर हों तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और अटेंडेंस काइंडली मार्क करें। थैंक यू वेरी मच।